केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर पूर्व के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि करीब 70% दूध असंगठित रूप से बाजार में जाता है। ये जब असंगठित रूप से बाजार में जाता है तो किसानों को इसका सही मूल्य नहीं मिलता है। हमारे लिए चुनौती है कि जो 70% असंगठित दूध बाजार में जाता है उसको कम कर 20% पर लाना है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने करीब 65,000 सक्रिय PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि अब तक सहकारिता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा चलता रहा है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त करने का काम हो, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा कि बीते 75 सालों में पूर्वोत्तर को केवल पर्यटन स्थल माना जाता था, लेकिन अब पीएम मोदी के आने के बाद इसका असली विकास हुआ है। इससे पहले गंगटोक की सड़कों पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह ने एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया, साथ ही उन्होंने लिखा कि गंगटोक में इस तरह के गर्मजोशी के स्वागत के लिए सिक्किम के लोगों का आभारी हूं, मैं अभिभूत हूं। अमित शाह ने गंगटोक के राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी मौजूद रहे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।